हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों आपको अपने स्क्रीन पे एक वैकेंसी दिख रही होगी जिसका नाम है टाटा स्टील। आपको मैं बता दूं, ये जिनको नहीं पता है, वैसे तो बहुत स्टूडेंट्स को पता है कि टाटा ग्रुप ही अपने आप में एक नाम है, एक ब्रांड है, और आपकी जॉब लगना यहाँ पे लाइफ सेट होने के बराबर है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिप्लाई आ सकता है, लेकिन रिप्लाई आएगा कैसे और किस किस का रिप्लाई आएगा वो मैं आपको बायोफिकेट करके पूरे का पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए, जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, सिर्फ एक क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होगा, उसमें इतना ही बेनिफिट होगा कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंच जाएगी। कोई भी अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, कुछ क्वेरी चाहिए, तो आप मेरे से इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके साथ साथ आप यहां अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दें। अब बता देता हूं टाटा स्टील की तरफ से वैकेंसी आई कहां है, किसके लिए आई है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले तो आपको ये वैकेंसी देखने के लिए जाना होगा लिंक्डइन पे। अब आप बोलेंगे कि यार लिंक्डइन पे क्यों जाएंगे, क्योंकि देखिए आज के टाइम में लिंक्डइन एक ऐसा सोर्स है जहां आपको डायरेक्टली रिक्रूटमेंट मिलती है। मैं उसी के थ्रू आपको बता रहा हूं। ये रोहिणी प्रजापति जी है, सीनियर मैनेजर है टाटा स्टील में, टाटा टेक्निकल सर्विस लिमिटेड में, टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड में, मतलब टाटा स्टील टीएस डिवीजन में, मतलब टेक्निकल सर्विस डिवीजन में। अब किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, पीएसयू, सबके अंदर टीएस सर्विस होती है, टेक्निकल सर्विसेज। इसके अंदर से इन्होंने बोला है, डियर एप्लीकेंट, इफ यू विश टू अप्लाई टाटा स्टील टेक्निकल सर्विस लिमिटेड एंड टाटा स्टील सर्विस सपोर्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड योर एप्लीकेशन एंड मैंडेटरी फॉलोअप फॉर्म फिल। सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये टेक्निकल सर्विसेज किस किस ब्रांच के लिए होती हैं। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एज वेल एज इंजीनियरिंग की और ब्रांच, डिप्लोमा की और ब्रांच, उसके साथ साथ आईटीआईज। जो आईटीआई है वो भी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, लेकिन वो ट्रेड में आ जाता है। जैसे जो टेक्नीशियंस होते हैं वो डिप्लोमा में आते हैं, ऐसे ट्रेडमैन्स जो होते हैं वो आईटीआई के थ्रू आते हैं, ऐसे ही बीटेक के थ्रू जीईटी आते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। तो इन सभी के लिए ये वैकेंसी निकल के आ रही है। इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, टू वे हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले तो इन्होंने बोला है कि आप अपना एप्लीकेशन जो है इस मेल पर भेज दें, इसके साथ साथ ये गूगल फॉर्म फिलअप कर दें। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जिसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसके बाद आपको मेल भेजना है। मैं पॉइंट टू पॉइंट, अगर सभी को रिप्लाई चाहिए कि टाटा स्टील की तरफ से कैसे रिप्लाई आएगा, वो मैं पूरा का पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अगर आप मेरा स्टेप फॉलो करेंगे तो मतलब चांसेस है कि आपका रिप्लाई आ जाए। अब सबसे पहले तो हमें फॉर्म को देखना है। जैसे ही हम इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो ये ओपन हो गया। अब इन्होंने क्या बोला है, देखिए फॉर्म के साथ साथ अपना सीवी भेजना है रिक्रूटमेंट एट टीएसएल एट टाटा स्टील पे भी आपको मैंडेटरी भेजना ही भेजना है, ऐसा इन्होंने बोला है। इसके साथ साथ आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम लिखना है ब्लॉक लेटर्स में, मतलब कैपिटल लेटर में। याद रखिएगा कैपिटल लेटर का ही यूज़ कीजिएगा, दैट इज़ रियली गुड फॉर यू। नेक्स्ट आप क्या है, मेल है फीमेल है, आपका फादर नेम क्या है वो मेंशन कर दीजिएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट पिन कोड क्या है, इसके साथ साथ आपका स्टेट कौन सा है। स्टेट में आपको ऑल इंडिया के सारे स्टेट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको क्वालिफिकेशन, देखिए क्वालिफिकेशन में इन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है, लेकिन यहाँ अगर आप देखिए इन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ले रखे हैं, बट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी और ब्रांच से हैं तो अदर्स में क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप अदर्स में क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब अदर्स में आपको स्पेसिफाई करना होगा नीचे, मान लीजिए आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कर रखा है, मान लीजिए बीई बीटेक आपने सिविल से कर रखा है, तो आपको क्या कर लेना है, बीटेक और ब्रैकेट में सिविल, या फिर डिप्लोमा सिविल, ऐसे आपको मेंशन कर देना है। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले हैं वो डायरेक्ट कर दें, और अदर ब्रांचेस वाले भी यहाँ अदर में स्पेसिफाई कर दें। नेशनल आपको क्या, इन्होंने क्या बोला है कि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेशन है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप करी होगी तो आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, मतलब सर्टिफिकेट होगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। आपने ऑल इंडिया ट्रस्ट, देखिए ये आईटीआई वालों के लिए है, जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट कंपलसरी है, जो आईटीआई के थ्रू जा रहे हैं। तो याद रखिएगा आईटीआई वाले ही यस करें, अदरवाइज और सब नो कर दें। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन एक्सपीरियंस 0 to 1 का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, मतलब यहाँ फ्रेशर लाइक 2023 पास आउट, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2024 पास आउट यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन 2023 पास आउट वाले यहाँ एलिजिबल
होंगे। अब जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आपसे आपका CV मांगा जाएगा। देखिए मैंने 90% स्टूडेंट एक गलत काम करते हैं, क्या करते हैं जी, आप जो है ना अपने CV पे फोकस नहीं करते हैं, मतलब करिकुलम विटे बायोडाटा पे फोकस नहीं करते हैं, जिस वजह से आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी त्रुटियां, बहुत बड़े चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। मैंने आफ्टर बहुत सारे CV देखने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि आपके प्रॉब्लम क्या है, और मैंने फिर उसी तरीके से एक फॉर्मेट बनाया CV का और एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको जाके ज़रूर देखें। अगर आप उस CV के थ्रू अप्लाई करते हैं या फिर उस CV की तरह अपना फॉर्मेट कुछ ऐसा ही डेवलप करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी आपको एम्प्लॉयर रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो कोशिश है तो एक बार ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे स्टेप की। यहाँ से फिर आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। दूसरा स्टेप क्या है, आपको इस पे मेल करनी है। किस पे करनी है, recruitment@tstsl.tatasteel.com पे। सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको मेल कैसे करनी है और किसके साथ करनी है, सबसे पहले आपको मेल करनी है कवर लेटर के साथ। अभी कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी, दैट मीन्स कवर लेटर। आज के टाइम में कवर लेटर एक मेन पार्ट बन गया है। पहले क्या होता था, आज से 4 से 5 साल पहले हम अपना CV सबके हाथों में जाके देते थे, तो हर बंदा थोड़ा सा तो रीड करता था, लेकिन आज के टाइम में इतने CVs उनके पास जाएंगे तो वो कैसे रीड करेंगे। सबसे पहले आपका कवर लेटर रीड करा जाएगा, उसी कवर लेटर के बिहाफ पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो कोशिश रहिएगा कि आप कवर लेटर जरूर कॉपी करें। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए चलना होगा सबसे पहले मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको कवर लेटर को कॉपी करके मेल सेक्शन में जाना है। तो सबसे पहले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहां से कवर लेटर कॉपी कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि आपका CV जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, और जल्दी से जल्दी अगर आपके पास दूसरा कवर लेटर है तो आप मेरे से शेयर भी कर सकते हैं। अगर मेरे को अच्छा लगेगा मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर आपका नाम लेके आपको क्रेडिट करके दूंगा उसको। तो इसीलिए दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है। वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुट अप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है। आप डिप्लोमा BTech प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहां लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहां जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको 2 में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है, उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना CV मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।